नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी सक्सेना। एचपी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। एचपी न्यूज लाता है आप सभी के लिए हर छोटी से बड़ी खबरें। तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप सभी को हर खबर की अपडेट आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर। एक तरफ तो अधिक बारिश होने से किसानों के खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी और किसानों के खेतों से कुछ नहीं निकला था। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो संबंधित बैंकों द्वारा किसानों के खाते में बीमा की राशि नहीं डाली गई है और अब किसानों को सोसाइटियों में खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। खाद बीज के लिए किसान भारी भरकम कीमत में व्यापारियों से लाने को मजबूर हो गए हैं, जबकि दो दो महीने पहले से ही किसानों ने सोसाइटियों में नकद राशि जमा कर परमिट कटवा रखे हैं, लेकिन उन्हें सोसाइटियों से यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है और अब विद्युत मंडल वाले की लापरवाही के कारण किसानों को समय से बिजली नहीं मिल पा रही है। आज हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के तहत आने वाले ग्राम रनावा की, जहां विगत डेढ़ महीने पूर्व तेज आंधी तूफान आने से कृषि पंप वाली 11 केवी लाइन के लगभग 20 बिजली के पोल टूटकर नीचे गिर गए थे और बिजली के तार भी टूट गए थे, जो आज दिनांक तक जगह जगह तार टूटे पड़े हैं, जो कभी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम रनावा में लगभग 20 बिजली के तार टूट पड़े हैं और 8 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं, जिसके कारण किसानों को इन दिनों बिजली नहीं मिल पा रही है। इधर किसानों का कहना है कि ग्रामीण लोग विद्युत मंडल के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर समय पर बिजली व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो सभी किसान लोग उग्र आंदोलन कर चक्का जाम करेंगे, जिसका जिम्मेदार विद्युत मंडल रहेगा। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। नाम धीरज मीणा है और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैंने भी लाखों हजारों रुपए खर्च करके पढ़ाई की थी, बहुत सारी डिग्री डिप्लोमा किए थे, लेकिन जब रोजगार की कहीं भी आस नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब खेती करते हैं। लेकिन जब मैं खेती करने लगा तो कुछ दिनों तो रुचि रही, लेकिन बाद में विद्युत विभाग के लापरवाही के कारण कभी लाइट नहीं मिल पाती है। और अभी जैसे कुछ दिनों पहले एक तूफान आया था, तूफान के कारण यहाँ पे हमारे काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी पोल टूटे थे। हमने विद्युत विभाग से बोला तो लगभग एक महीने में जाकर उन्होंने पोल तो खड़े किए, लेकिन अभी तक उसमें तार नहीं खींचे, जिसके कारण गांव में अभी किसानों को बहुत सारी समस्या आ रही है। मतलब कि ये मान के चलिए आपके किसान अपनी फसल नहीं बो रहे टाइम से, काफ़ी लेट हो गए फसल बोने में, और फसल भी अगर बोले तो क्या मतलब, अगर फसल में पानी नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा फसल का। तो और फसल इसलिए भी नहीं बो रहे क्योंकि फसल बोले फिर विद्युत विभाग तार खींचेगा, तो तार जब खींचेगा तो वो फसल में काफ़ी नुकसान होगा। इसकी आपका धर्मेंद्र सिंह राजपूत, कौन सा गांव? रनावा। क्या समस्या आपकी? समस्या ये सर कि हमारे ग्राम पंचायत रनावा में अभी बीते कुछ दिनों पहले एक तूफान आया था 15 अक्टूबर के समथिंग, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, किसानों का भी कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन विद्युत विभाग का काफ़ी नुकसान हुआ है, वो हमने नज़रअंदाज नहीं किया और ना ही किसी की शिकायत की। हम लोगों ने जितना हुआ उतना अधिकारियों का सपोर्ट किया है, कहीं पोल जहाँ टूटे थे वहाँ खड़े भी करवाए हैं उनसे बोल के, लेकिन उन लोगों की लापरवाही ये रही है कि अभी तक उनने एक पोल का तार नहीं खींचा है। और गांव ग्राम पंचायत के आसपास नदी के पास में सभी तार टूटे पड़े हैं, केवल उन लोगों ने अभी तक पोल खड़े किए हुए हैं। और अदरवाइज़ रही समस्या ये है कि किसान अब कहाँ से लाइट लाए और अपनी मोटरें चलाए और कैसे खेती करें। पीवत का काम चालू हो गया क्या? पीवत का काम तो वो बारिश हुई थी उसी में ही लोगों ने फसल बो दी कुछ लोगों ने, और कुछ अभी बोने के लिए मतलब सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ नुकसान ये है किसानों का सबसे बड़ा कि जिन्होंने फसल बो दी है उन लोगों को अभी पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लाइट उसकी वजह है, लाइट मिलेगी। तार पड़े मतलब समथिंग पोल टूटे थे, 19-20 पोल टूटे थे, जिनमें से अभी तक एक के भी पोल के तार नहीं खींचे हैं। कहाँ है ये तार? ऐसे लटक रहे हैं। ये तार है रेल पोल सड़ियाकुआ से लेके तो हमारे यहाँ गांव से थोड़ी सी नदी पेलांग बल्डी तक, जो कि पूरी लाइन टूटी पड़ी हुई है, और तार वो वहाँ के वहीं पड़े हुए हैं, ना ही उन्हें किसी ने समेटा है कर्मचारी ने, और ना ही किसी को उन्होंने अवगत कराया है कि आप तार के पास ना जाए, कुछ जान हानि हो सकती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं एक अच्छे घर से हूँ, एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैंने सोचा था पढ़कर नौकरी करूँगा जॉब करूँगा, लेकिन वो तो कर नहीं पाया, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं किसानी खेती करूँगा। तो खेती करने जब मैं लगा
इस साल से तो मेरे को समस्या ये तो कुछ नहीं आई, अभी तक ठीक था, लेकिन जब नुकसान हुआ उसके बाद मैंने अधिकारियों को अवगत कराया कि सर अभी हमारे पोल टूटे हुए हैं, आप तार खींच दो, तो वो लोग कहते हैं कि बकाया है। तो हम ये कहते हैं कि जब पैदा फसलवार पैदा करेंगे, जब हम बकाया चुकता करेंगे सरकार का, तो वो कहते हैं कि अभी मैंने कहा फिर कि सर अभी आप तार खींचिए, उसका भी हम कुछ करेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, आप अधिकारी से बात कीजिए। जब मैंने अधिकारी से बात की तो वो लोग कहते हैं कि हाँ प्रोसेसिंग में काम है, तो हम लोगों को वो जवाब क्यों नहीं देते, कब तक